दोस्तों बच्चों का टिफिन हो या ऑफिस के लिए लंच पैक करना हो तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है जिसे आप हार्डली 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये जो नाश्ता है बच्चों को भी पसंद आएगा क्योंकि इसमें पिज्ज़ा का टेस्ट मिलेगा, ब्रेड से बनाने हैं सैंडविच जैसा लगेगा और कुछ कुछ इसमें आपको आएगा वेज आमलेट का टेस्ट। तो देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर हिट कर दें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये सैंडविच बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 कप जितना बेसन और बेसन के साथ ही जितना बेसन लिया है उसकी 1/4 हमें मैदा की जरूरत होगी, ऑप्शनल नहीं है आपको डालनी ही होगी। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्ची डाल दी और उसके साथ ही डाल दी 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और ये गया 1/4 टीस्पून जितना जीरा और 1/4 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची जिसे एकदम बारीक कट कर लिया है, मिर्ची पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून जितनी शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए टमाटर और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बारीक कट किया हुआ प्याज। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे, जिसे नॉर्मली हम चीले बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला आपको बैटर बनाना है। बस तेज हाथ से आराम से आप मिक्स करते जाएं जिससे सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और आपका बैटर लम्स फ्री बनकर तैयार हो। तो लीजिए बैटर तैयार है, 10 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं। और ये मैंने लिया है नॉर्मल वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, यानी जो भी आपके पास हो आप उसी से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे और इस तरीके से एक कटोरी लेके जिसके शार्प एजेस हो उसे एक हम सर्कल निकाल लेंगे, आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। और ये लीजिए सब ब्रेड के स्लाइस निकल कर तैयार हो गए हैं और इधर इसे रखे हुए भी करीब 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर डालना है, जो खाने वाला सोडा होता है जिसे छोले राजमा भिगोते हुए डालते हैं वो नहीं डालना है। और ये गया थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास कोई हर्ब है पिज्जा सीजनिंग हो ओरिगैनो हो जो भी हो आप थोड़ा सा डाल दीजिए, टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मैंने ओरिगैनो डाला है। और ये गया 1/2 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स, अगर तीखा कम खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ब्रेड सर्कल में कट करी थी वो ले ली और अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो वो ले सकते हैं, वरना नॉर्मल टमाटो केचप ले सकते हैं, अगर दोनों ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हरे धनिये की चटनी ले सकते हैं, इमली की मीठी वाली चटनी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है बस आप वो थोड़ा थोड़ा सा इस पर इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए जिससे थोड़ा मीठा सा टेस्ट आएगा और हमारे ये जो नाश्ता बनेगा ना ज़बरदस्त टेस्ट का बनेगा। और अब मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने गैस पर रख दिया है और जिससे ये पैन थोड़ा सा गर्म हुआ उसके अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून जितना बटर और बटर को हल्का सा मेल्ट होते ही उसके अंदर जो हमने ब्रेड काट के रखी थी वो डाल दी और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना बैटर। फ्रेंड्स उसके बाद इसे और भी इंटरेस्टिंग और टेस्टी करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा चीज़, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, क्यूब है तो भी बहुत बढ़िया है और स्लाइस हैं स्लाइस डाल सकते हैं। फ्रेंड्स चीज़ पसंद नहीं है या नहीं डालना चाहते तो आप पनीर डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना इसके भी बनाइए तो भी टेस्टी बनेगा, पर मेरे पास चीज़ रखा हुआ है और चीज़ इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। उसके बाद ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है और चीज़ जिस हिसाब से भी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा, बस वो चीज़ डाला और उसके बाद जो हमने स्लाइस सॉस लगा के रखा था वो ऊपर से लगा दिया और ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे जिससे टेस्ट भी अच्छा होगा और नाश्ते का जो क्रंच आएगा वो भी ज़बरदस्त आएगा। हल्का सा प्रेस कर दिया फ्रेंड्स, इसमें जो हमने ये स्टफिंग जैसा किया है इसमें पता भी नहीं चलता कि आपने इसे बनाया किस तरीके से, बस यही इस नाश्ते की खासियत है। हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे करीब 2 मिनट से 3 मिनट तक सेकेंगे क्योंकि इसमें जो बेसन डाला है वो पकना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेकिंग पाउडर और मैदा की वजह से बेसन बहुत ही फटाफट पककर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते में आपको सैंडविच के साथ साथ थोड़ा बहुत टेस्ट पिज़्ज़ा का मिलने वाला है, थोड़ा बहुत टेस्ट आपको इसमें आमलेट का मिलने वाला है, यानी बहुत ही यूनिक और बहुत ही गजब का टेस्ट मिलेगा। तो बस अच्छे से इस तरीके से पलट पलट कर मैंने इसे बढ़िया सा क्रिस्पी कर लिया है। तो आप फ्रेंड्स जो ब्रेड है वो तो काफ़ी क्रिस्पी हो गया है लेकिन बीच का जो पार्ट हमने लिया है वो काफ़ी सॉफ्ट सा है, तो हमारा जो नाश्ता बनेगा
बहुत ही अमेजिंग है। और ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया, अब आप देख सकते हैं क्या बढ़िया इसका टेक्सचर है, एकदम सुपर सॉफ्ट, एकदम सुपर क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, एकदम नया सा नाश्ता है फ्रेंड्स। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे बताएं कि आपकी जो सैंडविच है कैसे बने। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें।